देखो मेरा नाम है जरशाल कुक विद जरशाल यूट्यूब चैनल पे आप सबका मॉमली वेलकम आज की जो रेसिपी है इसमें मटका बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी होने वाली है अज्जा और इनकी क्वांटिटी जो है ये आपको स्टेप बाय स्टेप ही डिस्प्ले होगी इसलिए वीडियो को एंड तक देखें हाँ जी जी तो बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जी तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने चिकन को कुक किया है तो चिकन को कुक करने का प्रोसेस देख लेते हैं जी तो चिकन है मेरे पास इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक और रेड चिली जैसे ग्रीन चिली होती है ना इसी तरह रेड चिली होती है इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया इसका पेस्ट बना दिया ये ऐड करेंगे इसके साथ यहाँ पे ये जो नमक है ये ऐड करेंगे इसमें और इसके साथ साथ ये है जी भुना कुटा हुआ ज़ीरा और जो धनिया वो ऐड किया है रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और ये हल्दी ऐड की है ठीक है जी अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये येलो फूड कलर जो है ये भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी तो अच्छे से मिक्स कर लिए अब क्या करना है अब इसे कवर कर देना है कुक करना है फोर्टी फाइव मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे स्टार्टिंग के टेन मिनट्स आप मीडियम फ्लेम पे कुक करें उसके बाद लो फ्लेम पे कुक करें और उसके बाद जब आप कुक करेंगे फोर्टी फाइव मिनट्स टोटल कुक करेंगे तो चिकन की वो लुक क्रिएट हो जाएगी जो स्टार्ट पर देखी है ठीक है जी जी तो चिकन रेडी अब ग्रेवी बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं जी तो फ्लेम ऑन कर लिया अब इसमें जो है वो मैं घी ऐड करूँगी घी जो घी का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गई इसलिए क्योंकि इसी घी के अंदर मैंने प्याज जो थे उन्हें फ्राई किया था तो आपने प्याज ले उन्होंने फ्राई कर लेना उस घी को वेस्ट नहीं करना उसी को ही अगेन जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो ये मैंने घी ऐड किया है सबसे पहले अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी साबुत गर्म मसाला हाँ जी ये मैंने ऐड कर दिया और इसके साथ इसे कुक करेंगे तकरीबन एक से दो मिनट के लिए जी तो तकरीबन तो दो मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक एंड रेड चिली पेस्ट ये ऐड कर देंगे इसमें और इसे एक से दो मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे हाँ जी जी तो ये दो मिनट कुक कर लिया अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी बे और इसके साथ साथ फ्राई किया हुआ प्याज़ ये भी ऐड कर देंगे ये फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी तो अच्छे से मिक्स कर लिया अब इसमें तकरीबन तो दो ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे कहाँ गया रेड चिली हाँ जी जी आ गया रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके साथ हम ऐड करेंगे नमक ये ऐड कर देंगे दे और हल्दी पाउडर ठीक है जी तो ये ऐड किया और इसे कुक करेंगे ठीक है जी अब आपने करना क्या है अब आपने करना ये कि इसे पंद्रह मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम जो होता है ना उस पर आपने फिफ्टीन मिनट्स के लिए इसे कुक करना है इसकी भुनाई करनी है अच्छे से ठीक है जी तो पंद्रह मिनट बाद आपसे मिलते हैं जी तो पंद्रह मिनट अच्छे से बुनाई करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला ये ऐड कर देंगे और इसके साथ बिरयानी मसाला भाई बिरयानी बना रहे हैं तो इट्स मीन मसाला ना हो बिरयानी मसाला पॉसिबल ही नहीं है तो बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ लेमन जूस ऐड करेंगे कहाँ गया आ गया लेमन जूस ऐड करेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी खुबानी ठीक है जी अब इसमें खुबानी ऐड करेंगे खुबानी 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 आ गई खुबानी ऐड करेंगे और ये ड्राई ख़ुबानी थी इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रखा और उसके बाद ये सॉफ्ट होगी और सॉफ्ट होने के बाद ये ऐड कर दी है अब जी करना क्या है इसे मिक्स करना है हर तकरीबन दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है ठीक है जी तो दस मिनट बाद लो फ्लेम पर कुक करने के बाद आपसे मिलते हैं जी तो टेन मिनट्स बाद ये फ़ाइनल लुक है तो ग्रेवी हमारी तैयार है जी तो सब अज़ा जो है ये तैयार है मटके को फ़िल करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अच्छा जी तो ये एक मटका लिया है इसे मैंने तकरीबन तो पंद्रह मिनट के लिए पानी में डिप किया था ठीक है अब इसमें मैं ये ऐड करूँगी पानी फिर रिमूव कर दिया था और अब इसमें मैं नाइन्टी एट परसेंट जो है कुक राइस ये ऐड किए हैं मैंने और ये चिकन पीसीज ऐड कर देंगे ठीक है जी चिकन पीसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है आप पे डिपेंड करता है वैसे ये दो लोगों की सर्विंग होती है जी तो अब इसमें ये ग्रेवी ऐड करेंगे ग्रेवी मसाला जो हमने बनाया था ये ऐड कर देंगे और ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड कर लें कम पसंद है कम ऐड करें ये जी मैंने ऐड की है ख़ुबानी और अब जी इसमें ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे आ जाओ आ जाओ हाँ जी जी अब इसमें ऐड करना है मैंने येलो एंड रेड फूड कलर ठीक है जी ये आप ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो ये येलो फूड कलर है और रेड फूड कलर ये ऐड करेंगे और इसके साथ बॉयल्ड एग ठीक है ये ऐड कर दिए मैंने दो ऐड किए क्योंकि दो लोगों की सर्विंग है अच्छा जी अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये धनिया ऐड किया है और इसके साथ साथ टमाटर ऐड करेंगे और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे तो ये टमाटर ऐड किए हैं इसके साथ ये ग्रीन चिली ऐड कर दी है आप ये अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है जी और अब इस पर ऊपर टॉप पे फिर से बॉइल्ड राइस ऐड कर देंगे ठीक है ये नाइन्टी एट परसेंट कुकड राइस हैं ठीक है इनको ऐड कर देंगे जी तो ये येलो फूड कलर ऐड किया रेड फ़ूड कलर ऐड किया आप लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ जी जी अब इसमें चिकन पीस ऐड करेंगे और इसके साथ ग्रेवी मसाला ऐड कर देंगे तो आप ये क्वांटिटी जो है ये कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसिस पसंद हैं तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें अगर कम पसंद है तो आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है हाँ जी जी तो ये आप चेक कर सकते हैं किस तरह है? इसकी लेयर बनाई जा रही है बेसिकली तो अब टॉप से फिर से क्या चीज़ ऐड कर दी है बॉइल्ड जो है नाइन्टी एट परसेंट कुक राइस इन्हें ऐड कर दिया है और इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा ठीक है जी तो ये सारा प्रोसेस हो जाए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है तो अब क्या करना है करना ये है कि आपने इसे कवर कर देना है और इसे कुक करना है दो मेथड है कुक करने के या तो आप एज इट इज़ ही कुक कर ले दूसरा मेथड ये है कि आपने क्या करना है आटे की जो डो होती है मतलब सिंपल जो घर में आटा गूंधते हैं ठीक है उसका यूज़ करना है और उसको इस तरह कवर करना है उसकी बेस पर ठीक है और उसके बाद इस पर लिड रख देना है इससे ये होगा कि स्टीम जो है इसके अंदर ही रहेगी और ये बहुत अच्छे से कुक होगा ठीक है जी तो ये क्लियर हो गया हाँ जी जी अब नेक्स्ट जो है इसे तकरीबन तो तीस मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है तीस मिनट बाद आपसे मिलते हैं जी तो तीस मिनट हो चुके हैं अब इसे क्या करेंगे सिंपली डिश आउट कर लेंगे हाँ जी जी तो ये चेक करें ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी लाजमी ट्राई कीजिएगा और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ठीक है मतलब ईजिली बन जाएगी जी तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें शेयर कर दें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हाफिज़